हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम आलू और मेथी से बहुत ही चटपटी और टेस्टी रेसिपी बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन हो या लंच बॉक्स इजीली झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम मेथी ली हूँ। यहाँ मैंने मेथी के लीव्स या पत्ते को अच्छे से तोड़ के साफ़ कर ली हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लिया है। और अब हम इसे एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और एक नाइफ़ या चाकू से इसे बीच में से कट कर लेंगे। और अब हम इसके बिल्कुल बारीक बारीक पत्तियाँ काट लेंगे। आप चाहे तो इसे चॉपर से भी कट कर सकते हैं, उससे भी ये पत्तियाँ बहुत ही बढ़िया और बारीक कटेगी। ये बनाना जितना ज़्यादा आसान है खाने में, उससे कहीं ज़्यादा ये हेल्दी होती है। तो विंटर हो या कोई भी वेदर, आप इस रेसिपी को इंस्टेंट और झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। और अब हम आलू लेंगे। आलू को भी हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, जिससे आलू पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगी। आप चाहें तो इसकी जगह उबले हुए आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने आलू और मेथी को कट कर ली हूँ। और अब हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप इसे किसी भी कुकिंग ऑयल से बना सकते हैं, बस घी या बटर का यूज़ ना करें। पैन में ऑयल को अच्छे से फैला देंगे। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरे को ऑयल में अच्छे से क्रैक होने देंगे। और इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग डालने से इस रेसिपी का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ मैंने 1 सूखी लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च को इस तरीके से बारीक कट कर ली हूँ। इसे भी हम ऑयल में डालेंगे। बारीक कटा हुआ 1 प्याज डालेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखेंगे, जिससे हमारे मसाले जल्दी भी पके और जले भी ना। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से ऑयल में 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट का कच्चा फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा और हमारे प्याज अच्छे से भुन जाएंगे। और अब हम इसमें कटे हुए इस टाइम पे आलू ऐड करेंगे। और आलू डालकर हम इसे ऑयल में फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो पसंद आ रही है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और आप देख सकते हैं आलू को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो गए हैं। और आलू हमारे और जल्दी कुक हो, इसके लिए हम इसमें स्वाद अनुसार 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डाल करके हम इसे फिर से अच्छे से नमक को आलू में मिक्स कर लेंगे। अगर आप आलू नहीं खाते, तो आप आलू की जगह इसमें कच्चे केले का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को कच्चे केले से भी बना सकते हैं। और अब हम आलू को ढक करके इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, आलू हमारा अच्छे से कुक हो गई है। और हम इसे फिर से एक बार चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। और आप देख सकते हैं आलू हमारे सुनहरे कलर के हो गए हैं। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इस रेसिपी का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें 1/4 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम इसे आलू में अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे, जिससे जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चा फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं आलू हमारे अच्छे से मसालों के साथ भुन गई है। तो अब हम इसमें कटे हुए मेथी ऐड करेंगे। हम इसमें एक बार में सारे मेथी ऐड कर देंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम 20 से 25 सेकंड के लिए हाई कर लेंगे, जिससे होगा क्या कि मेथी जितना भी पानी छोड़ेगी वो इंस्टेंट पक जाएगी। और अब हम इसे मेथी में आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं रेसिपी हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दिख रही है। तो आप इस रेसिपी को, जब भी आपका अच्छा और हेल्दी खाने का मन हो, तो आप इस रेसिपी को झटपट से बनाएं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। सर्दियों में बाज़ार में बहुत ही अच्छी और फ्रेश मेथी आ रही है, तो आप इस रेसिपी को इंस्टेंट से सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मुझे मेथी को भूनते हुए लगभग 1 ही मिनट हुए हैं, और मेथी हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर आपको पसंद है तो आप इसे डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
और टमाटर डालने से मेथी का जो कड़वापन है वो कम हो जाता है और टमाटर इसे और ज़्यादा चटपटा और फ्लेवरफुल बनाती है। तो आप हो सके तो इसमें टमाटर ज़रूर ऐड करें, या फिर आप टमाटर की जगह एक चम्मच आमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ मैंने मेथी आलू को अच्छे से मिक्स, और अब हम आलू मेथी में हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर डाल करके हम इसे फिर से अच्छे से चलाते हुए मेथी आलू में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं आलू और मेथी हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं। और आलू को भी हम इस तरीके से चेक कर लेंगे कि आलू हमारे पके हैं कि नहीं। और आप देख सकते हैं आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं और ये पक भी गए हैं। तो इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और आपको अगर इसमें क्रीम पसंद है तो इस टाइम पे आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम तो इसे बिना क्रीम के ही खाएंगे। और ये खाने में ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब लगती है। तो इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। और चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं विंटर स्पेशल हमारा इंस्टेंट और झटपट से चटपटी आलू मेथी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। और इस रेसिपी को आप इस तरीके से बना करके पूरी, पराठा, चपाती किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी होती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नई रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।